नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। रेवाड़ी शहर में दिन दहाड़े दो बदमाश घर में घुसकर गन पॉइंट पर 6,70,000 रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। लूट की वारदात के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। लूट की पूरी वारदात रेवाड़ी शहर के पोस इलाके कहे जाने वाले सेक्टर 4 में हुई है। जानकारी के मुताबिक सापुजापुर की एक कंपनी में बतौर सीओ कार्यरत महेश कुमार परिवार के साथ सेक्टर 4 में किराए के मकान में रहते हैं। महेश अंसल टाउन में अपना घर बना रहे हैं जो कि निर्माणाधीन है। शुक्रवार को महेश कुमार किसी काम से बाहर गए हुए थे। उनकी पत्नी जो कि पीएचडी कर रही है वह भी यूनिवर्सिटी गई हुई थी। बेटा स्कूल में था। ग्रेजुएशन में पढ़ने वाली बेटी शालू घर पर अकेली थी। इस दौरान दो बदमाश सेक्टर 4 स्थित एक घर के फर्स्ट फ्लोर पर घर में घुसते हैं और शालू को गन पॉइंट पर लेकर घायल कर बेहोश कर देते हैं। वहीं घर में रखे हुए करीब 6,70,000 रुपए लूट कर फरार हो जाते हैं। जिस तरह से लूट की पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, कहीं ना कहीं बदमाशों को घर में नकदी की पहले से शायद सूचना थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से सामान बिखरा पड़ा हुआ है। वहीं शालू यादव जख्मी दिखाई दे रही है। होश आने के बाद शालू ने सबसे पहले इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और तमाम छानबीन के बाद आरोपियों की तलाश में जुटे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से मॉडल टाउन थाना क्षेत्र में वारदात को अंजाम दिया गया, कहीं ना कहीं बदमाश बेखौफ दिखाई दे रहे हैं। वहीं मॉडल टाउन थाना पुलिस की गश्त पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर किस तरह से बदमाश दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते हैं। अब देखना होगा कि आखिर कब तक पुलिस इन आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है।